दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ दोपहर तक। पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले, नौकरी के लिए हमीरपुर में इंटरव्यू। सुजानपुर में हजारों जिंदगियां खतरे में, खुले में फेंकी लाशों को नोच रहे कुत्ते और गिद्ध। डरने लगे पुलिसकर्मी, चौहड़ा चौकी पर मंडरा रहा संकट। नौणी यूनिवर्सिटी में सजी संगोष्ठी, बिंदल ने भरा जोश। यह मिट्टी नहीं बीमारियों का काल है। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के पूर्व सैनिकों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल सरकार पूर्व सैनिक कोटे से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सैकड़ों पद भरने जा रही है। इसके लिए आजकल सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर में पात्र पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार चल रहे हैं। शनिवार को जिला सिरमौर के 400 पूर्व सैनिकों ने हमीरपुर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। बता दें कि यह साक्षात्कार 10 फरवरी से शुरू हुए हैं, जो 28 तक चलते रहेंगे। इससे पहले हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर के पूर्व सैनिकों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। प्रदेश भर से 4,225 पूर्व सैनिकों को इन पदों पर भर्ती के लिए बुलाया गया है। सभी पदों को 15% कोटे से भरा जाएगा। इनमें 10वीं, जमा 2, ग्रेजुएशन व अन्य शैक्षणिक योग्यता अनुसार भर्ती हो रही है। सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 4,225 लोगों को जो है वो इंटरव्यू कॉल किए गए हैं, और ये जो 10th प्लस 2 तथा BA लेवल की जो है भर्ती यहाँ पे होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 15% का जो कोटा तय किया गया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उससे संबंधित ये भर्ती चल रही है। इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यू जो हैं वो लिए जा चुके हैं। आज सिरमौर का इंटरव्यू है और उसके पश्चात जो है वो जो बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्टों का तरतीब वाइज जो है वो इंटरव्यू चलेंगे। इंटरव्यू के नाम पे स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग ही यहाँ पे होती है। चारों ओर लाशें और उन्हें नोचने के लिए मौजूद गिद्धों के साथ हर तरफ फैली बदबू के बीच नरक सरीखा जीवन जी रहे लोग। कुछ ऐसा हाल है सुजानपुर की पंचायत खैरी का, जहां खुले में फेंकी जा रही मवेशियों की लाशें जी का जंजाल बनने लगी हैं। बदबू से यहां महामारी फैलने का डर सताने लगा है। अहम बात यह है कि रातों रात यहां पशुओं की लाशें कौन फेंक रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। पंचायत के शमशान घाट के रास्ते पर लाशों के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों का गुजरना मुहाल हो गया है, और आवारा कुत्ते और गिद्ध इन्हें नोच रहे हैं, जिससे चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल रही है। अहम बात यह है कि जहां ये लाशें खुले में सड़ रही हैं, उसके एक तरफ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग का पानी का टैंक है, तो दूसरी ओर व्यास नदी है। इससे यहां पर महामारी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत एक्शन की मांग की है। वहीं SDM शिल्पी बेगटा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है, जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोगों की जान माल की हिफाजत करने वाले खुद ही लाचार होकर खतरे के साए में नौकरी करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं चंबा की चौहड़ा पुलिस चौकी की, जिसकी बिल्डिंग कभी भी घुटने टेक सकती है। इससे यहां बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 30 साल पहले खोली गई ये पुलिस चौकी आज बदहाली पर आंसू बहा रही है। यहाँ जवान इस टूटी फूटी छत के नीचे सेवाएं देने को मजबूर है। भारी बारिश के बीच पुलिस चौकी की छत टपकती है। गर्मियों में कर्मचारी पसीना पसीना हो जाते हैं और सर्दियों में यहां बैठना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर पल जान का खतरा बना रहता है। DSP डलहौजी रोहिन डोगरा का कहना है कि बदहाल चौकी का यह मसला प्रशासन के पास उठाया था और अब इसके लिए 4 में एक साइट फाइनल कर दी जाएगी।
पुलिस चौकी के लिए नए स्थान के चयन के बाद यहां एक भव्य और सुंदर बिल्डिंग बना ली जाएगी। खैर, यह तो आने वाले कल का सपना है, पर आज के दौर में कर्मियों पर खतरा मंडरा रहा है। खैरी थाना के अंतर्गत बरही सप्तिसील है और बलही सप्तिसील को कैटर करने के लिए चौड़ा चौकी बनाई गई थी। ये काफी समय से चौकी यहीं पर स्थित है, जो कि अब हम नए भवन के लिए नई जमीन निर्धारित करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने जिला प्रशासन से नई जमीन को निर्धारित करने के लिए 3 या 4 प्रोस्पेक्टिव साइट्स भी देखी हैं। जैसे ही साइट फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद जो भी जमीन है उसका अधिकार हमारे नाम पुलिस विभाग के नाम में आ जाएगा और उसके बाद वहाँ पे नया भवन तैयार करके चौकी को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जेनेसिस जिला कांगड़ा चंबा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। कांगड़ा के नगरोटा बगवा और योल में नीट JEE NDA HP CET में देश के बेहतरीन शहरों से फैकल्टी के साथ प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ कोचिंग दे रहा है। बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ ढेरों सुविधाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ने शनिवार को ठाकुर राम सिंह राज्य स्तरीय जयंती समारोह के अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वानिकी सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव विंदल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौणी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. परविंदर कौशल ने की। संगोष्ठी में संयुक्त निदेशक भाषा विभाग यादविंदर पाल, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने ठाकुर राम सिंह की इतिहास दृष्टि, सोलन जनपद इतिहास एवं संस्कृति विषय पर विचार रखे। संगोष्ठी में विभिन्न जिलों से आए कवियों ने भी दमदार कविता पाठ से समा बांध दिया। संगोष्ठी के दौरान पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि यहाँ पर अनेक अनेक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हिमाचल के इतिहास, सोलन जिला के इतिहास और शेष जो हिमाचल के जिले हैं उनके इतिहास और संस्कृति का लेखन वो प्रस्तुत किया गया है। हम ये मानते हैं कि जब हमारी आने वाली संतानें भारत के स्वर्णिम इतिहास को अपने सामने देखेंगी तो स्वयमेव वो एक शक्ति से स्फूर्त होकर के नए भारत, उन्नत भारत और विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेंगी। यदि इंग्लिश द्वारा लिखा गया इतिहास वो हमारे सामने आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी संतानें विक्षिप्त होकर के अलग दिशा के अंदर मोड़ लेती हुई दिखाई देती हैं। बीमारियों से बचना है तो हिमाचल की मिट्टी से बने सामान का ही इस्तेमाल करें। यह सामान सेहत के लिए गुणकारी और लाभदायक है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सोलन शहर की मुरारी मार्केट में लगाई 10 दिवसीय प्रदर्शनी में यही संदेश दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ लोगों के लिए हस्त निर्मित सामान सजाया गया है। प्रदर्शनी में न केवल खाने पीने का सामान बल्कि ऊनी कपड़े भी उपलब्ध हैं। यहां पहुंची ज्योति ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में हमारे हाथों से निर्मित सामान बेचने का मौका मिल रहा है। इस बार मसाले, शुगर फ्री आटा के साथ साथ आचार, मुरब्बा, चटनी, पापड़ और सीरा यहाँ खूब भीड़ खींच रहे हैं। मैं ज्योति प्रूति मंडी से आई हूँ, अपने जो फर्म द्वारा सामान जो तैयार किया है हमने, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले बनाए हैं हमने, जो कि लोग प्योरिटी भूल गए हैं, कंपनियों की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि अपनी ज़मीन से जुड़ें, अपने घर के बने मसाले जो हम बना के लाए हैं सोलन वासियों के लिए, तो प्लीज़ एक बार आके उनको देखें। मैं मंडी KVI से जुड़ी हुई हूँ और मेरा मोटिव यही है कि लोगों तक, जैसे आजकल बीमारियाँ बहुत हैं तो हमने शुगर फ्री आटे भी बना दिए हैं, जो कि डॉक्टर्स आजकल बता रहे हैं, जिसमें जौ का आटा, काले चने का आटा, बाजरे का आटा
और कोदरे का आटा भी जो आजकल बहुत कम मिलता है वो भी लाए हैं हम, सोयाबीन का आटा वगैरह, और अलग अलग तरह के नमक लाए हैं। तो मैं सोलन वासी से यही बोलूँगी कि एक बार यहाँ प्रदर्शनी का में आके देखें, ताकि हम इतनी दूर से आए हैं, हमें भी मतलब यहाँ से कुछ कमा के जाने का मौका मिले और अपने द्वारा तैयार किया हुआ सामान बताने का मौका मिले और सोलन वासियों को मतलब अच्छा सामान मिले, बस यही हमारी अपेक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।